मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेक्टर 22 के मशहूर कोहिनूर फैशनर्स के बीचों बीच शोरूम है, अच्छा खासा शोरूम है, और चंडीगढ़ प्रशासन ने इसकी अच्छी खासी रकम भी इसके ओनर से ली है। और यहाँ यहाँ मेरे सामने देख रहे हैं कि शोरूम के बिल्कुल बीच में गटर है जो मेन होल है, और ये बारिश की वजह से ओवरफ्लो होने लग जाता है, और सोचिए गंदा बदबूदार पानी निकलता है, और कस्टमर्स की और ओनर के दिल पर क्या गुजरती होगी। हम आइए बात करते हैं इस कोहिनूर फैशंस के शोरूम और इस बिल्डिंग के मालिक से। ये हर साल, नमस्कार जी, ये हर साल बेटा पानी बहुत दिक्कत आती है, पानी हर साल ही आइंदा ओवरफ्लो आइंदा, बरसात इतने बहुत दिक्कत आती है। नहीं तुसी प्रशासन में बारे कुछ किया दसिया जी, पर एक बारी क्या सी आए नहीं, आंदे आंदे नहीं, कटते नहीं है पानी। तुसी कंप्लेंट को रिटर्न से दी है जी? ना रिटर्न इतनी नहीं दी। तो जे मीडिया साथ दे थोड़ा तुसी रिटर्न से दो कंप्लेंट, असी एफर्ट्स करिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल करांगे, असी तुहानू कंप्लेन करने असी, तो तुसी लिख के दे दो उत्थे। जी जी जी, क्योंकि देखो इस तरह थोड़ी दुकानदारी भी खराब होंगी, गंदा बदबूदार पानी बहुत गंदा, कस्टमर नहीं खड़े होंगे, कस्टमर नहीं खड़ा होंगे, बहुत दिक्कत आती है। शुभ नाम जी? कुलदीप सिंह। ये थे मेरे साथ कुलदीप सिंह जी, जो अपनी व्यथा बता रहे थे, लेकिन प्रशासन को भी कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी दुकान है, भरी पूरी दुकान है, और फैशन का लगभग हर सामान यहाँ पे अवेलेबल है। और ऐसे में अगर कोई चंडीगढ़ का लोकल या टूरिस्ट यहाँ पे परचेजिंग करने आए और उनके परचेजिंग करते करते बदबूदार पानी निकलने लग जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त ग्राहक सामान खरीदेगा या अपने आप को उस बदबू से बचाएगा। मैं खुशविंदर सिंह अपने सहयोगी रजिंदर दत्त के साथ अर्थ प्रकाश टीवी के लिए।